हे एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो लेक्चर। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में। सो आज से हमारे जो लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट होंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू के साथ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, इन हिस्ट्रीज़ में बहुत सारी डायनेस्टीज़ आपको पढ़नी है और उन डायनेस्टीज़ में बहुत सारे रूलर्स हैं और उन बहुत सारे रूलर्स में भी मतलब कुछ ऐसे हैं जो खास हैं, कुछ ऐसे हैं जो खास नहीं हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे होंगे, हमें मतलब थोड़ा थोड़ा भी पढ़ें तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो इसलिए मैंने उस चीज़ को ईजी बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए मैंने कोशिश की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जितने भी हम पहले जो हिस्ट्री है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे, मतलब सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ेंगे। और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले डायनेस्टीज़ कौन कौन सी है और उन डायनेस्टीज़ में कौन कौन से रूलर्स हैं, ताकि जब हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ें, जब हम डिस्क्रिप्शन में जाएं, तो हमारे माइंड में ये क्लियर हो कि फर्स्ट डायनेस्टी ये थी, सेकेंड ये थी, फोर्थ ये थी, फर्स्ट डायनेस्टीज़ में ये रूलर्स आते हैं। ओके, सो इससे क्या होगा कि जब वो कहते हैं ना कि पूरी बिल्डिंग का जब स्ट्रक्चर आपके सामने हो, आपको स्ट्रक्चर पता हो, तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होती आपको बीच में घुस के चीज़ों को एनालाइज करने की, ठीक है। अब एक्चुअली जब हम अगर हम स्टार्टिंग से डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, तो देखिए आपको भी पता है कि जब हम डायनेस्टी शुरू करेंगे उसमें बहुत सारे रूलर्स देखेंगे, तो इसी तरह कंटिन्यूटी जब हम पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी डायनेस्टी पहले थी, कौन सी लास्ट में थी। सो इसीलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इसको इजी बनाने के लिए, सबसे पहले हम इसको सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डायनेस्टीज़ को देखेंगे, कौन कौन से डायनेस्टीज़ हैं और डायनेस्टी के बीच में जो भी रूलर्स थे उनके नाम हम देखेंगे। और देन उसके बाद ये क्रोनोलॉजिकल मेथड जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू को, और हिस्ट्री ऑफ जम्मू में सबसे पहले हम डायनेस्टीज़ और रूलर्स देखेंगे कि कौन कौन से डायनेस्टीज थी और रूलर्स उनमें कौन कौन से थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी जो थी वो उसका जो स्टार्टअप हुआ था वो था 500 BC से लेकर 143 BC तक, और इसमें जो रूलर्स थे आपके वो थे राजा बोध, अर्जुन बानू, उसके बाद जख राजा और बोमदत्त। ओके, सो ये राजा थे जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ने हैं। एक्चुअली अभी आप सिर्फ इनके नाम याद रखो, मैं जब इसको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा फिर मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा कि इनकी किस रूलर ने कौन सा काम किया था और कौन सी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। देखिए बहुत सारे रूलर्स हैं, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतना कैसे याद रहेगा। मैं आपको जब डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊंगा ना, डिस्क्रिप्टिव जब हम फोकस करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू पे, मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा आपने कौन सी चीज़ें पढ़नी है। इवन आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो सेकेंड डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो सेकेंड डायनेस्टी थी आपकी राय डायनेस्टी, जो स्टार्ट हुई थी 58 BC से लेकर और ख़त्म हुई थी 10 BC तक। ओके, सो इसमें रूलर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रूलर जो थे वो थे देव राय, देन उसके बाद गंधर्व राय, कदम राय, करम राय, सॉरी ये दो बार लिख दिया नाम, उसके बाद खीर राय और खकीर राय, सिंध राय, जगत राय, उसके बाद दूध राय, योग राय, ठीक है। थर्ड नंबर डायनेस्टी की हम बात करें तो थर्ड नंबर पे थी आपकी दार डायनेस्टी, और दार डायनेस्टी जो स्टार्ट हुई थी वो थी 430 AD से लेकर 840 AD तक, और इसमें जो रूलर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्टली रूलर आपको देखे होंगे सुरेश धार, देन गंगाधर, उसके बाद देवालाधर, सर्व्यधार, किरदार, अजयधार, विजयधार, ठीक है। देखिए इनमें जो रूलर्स रहते हैं वो बहुत सारे थे, ठीक है, कुछ कैपेबल थे, कुछ इनकैपेबल थे, कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इनके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नाम इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि चलो खैर आपके आपको थोड़ा सा पता लग जाए, अदरवाइज आपको रट्टा नहीं मारना इनका। जब मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊँगा ना आपको, तो वहाँ पर आराम से सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। आई प्रॉमिस उसको इतना ईजी वे में मैं आपको बताऊँगा कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो आपको बता रहा हूँ ना, इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ भाई ये चार या पांच डायनेस्टी हमने ही पढ़नी है। ओके, तो फोर्थ नंबर की डायनेस्टी जो है वो है देव डायनेस्टी, जो स्टार्ट हुई थी 840 AD से लेकर 1816 AD तक, और रूलर्स की अगर हम बात करें तो सूरज देव, पुजदेव, अवतार देव, जसदेव, संग्राम देव,
कृष्णदेव, उसके बाद नरसिंह देव, अर्जुन देव, योद्ध देव, माल देव, हमीर देव, अजीत देव, वैरव, गुगार देव, कपूर देव, यज्ञ देव, ठीक है। उसके बाद आ गए आपके संग्राम देव, भूपत देव, हरि देव, गजित सिंह, दुरुप सिंह, और सॉरी ध्रुव देव, उसके बाद महाराजा रणजीत देव, उसके बाद ब्रज देव, राजदेव, ओके। तो ये सारे देव जो थे देव डायनेस्टी में आ जाते हैं। सो लास्ट आपको आपने पढ़ना है सिख रूल, और सिख रूल में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है राजा रणजीत सिंह, और जिनका शासन काल जो चला 1808 में स्टार्ट हुआ। और उसके बाद बहुत सारे थे, मतलब जो भी इनके सिख रूल में जो भी चीज़ें हुई थी वो हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन वे में। सो गाइस ये था वो सारे इम्पोर्टेंट मतलब क्रोनोलॉजिकल वे में, मतलब जो भी मैंने डायनेस्टीज आपको बताई, ओके। सो ये सिर्फ एक व्यू ओवरव्यू है हिस्ट्री ऑफ जम्मू का, एक छोटा सा नक्शा आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता लग जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, अदरवाइज ये इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए एक छोटा सा प्लानिंग मैंने निकाली है ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। सो आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको। सो फाइनली अब हम नेक्स्ट शुरू कर देंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू को डिस्क्रिप्शन में पढ़ना, और मैं आपको आराम से सभी चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, और इवन क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ताकि आपको मतलब देखो जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो ऑब्वियसली आपको पता लग ही जाएगा